मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता, ये मन तो प्रभु पंछी तेरा, ये मन तो प्रभु पंछी तेरा, करता जन्म मरण का फेरा, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मयो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योन्तम सो अश्नुते सर्वान कामान ब्राह्मण सह विपश्चितेति। वह सत्य सनातन ब्रह्म हृदय में हृदय की गुफा में छुपा है, जो प्रकाश संपूर्ण सृष्टि में दिखाई पड़ता है, आकाश में दिखाई देता है, वो ही प्रकाश मनुष्य के हृदय में झिल मिलाता है। जो शुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति उस ब्रह्म का परमात्मा का साथी बन जाता है, मित्र बन जाता है, उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, वह सब प्रकार से संतुष्ट परिपूर्ण और शांत आत्मा मुक्त आत्मा बन जाता है। जो प्रकाश हृदय में छुपा है वो ही सृष्टि में दिखता है। जो प्रकाश हृदय में छुपा है वो ही सृष्टि में दिखता है। जो ब्रह्म का साथी बन जाता पूरी तरह वो संतुष्ट हो जाता। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता, ये मन तो प्रभु पंछी तेरा, करता जन्म मरण का फेरा, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। सत्यमेव जयते नान्रतम, सत्य की ही सदा विजय होती है असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य को यान बनाकर देवगणों ने
इस संसार सागर को पार किया है। ये ना क्रमन्त्य ऋषियो हय आप्त काम यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम्। सत्य का प्रकाश ही जगत में होता है, झूठ सदा पराजित होता है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है, वहीं विजय है। सच की सदा ही विजय होती, देवों की नाव सच की ही होती। सच की सदा ही विजय होती, देवों की नाव सच की ही होती। सत का जगत में परकाश होता, झूठ सदा ही पराजित होता। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता। ये मन तो प्रभ पंछी तेरा करता जन्म मरण का फेरा। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। सत्येन लभ्य इस तपसा हयोपु आत्मा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रोयम्। पश्यन्ति यत यह दीक्षा दोषः, जो तपस्वी नित्य ही ब्रह्मचर्य का और सत्य का पालन करता है, वो उस परम ब्रह्म की ज्योति में प्रवेश कर जाता है। जो मनुष्य चराचर में, जल थल में, अनेक अच्छे बुरे जीवों में उस परम ब्रह्म को ही देखता है और उस ईश्वर की आज्ञा में अपने जीवन को व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति उस परम ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा का मित्र कहलाता है। उसके सब दोष नष्ट हो जाते हैं, उसे सब जगह उस परमात्मा का प्रकाश ही दृष्टिगोचर होता है। ब्रह्मचर्य सत्य का जो पालन करते, ब्रह्म ज्योति में वे ही प्रवेश करते। ब्रह्मचर्य सत्य का जो पालन करते, ब्रह्म ज्योति में वे ही प्रवेश करते। सब में एक को देखते तपसी, ब्रह्म आज्ञा में विचरते तपसी। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता। ये मन तो प्रभ पंछी तेरा करता जन्म मरण का फेरा। ये मन तो
सदा स्वर्ग में बसता। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। युजेवाम ब्रह्म पूर्वयम् नमोर्भे विश्लोक ये तो पथ्येव शूरे श्रणवन्तो विश्वे अमृतस्य पुत्र आ ये धामानि दिव्यानि तस्कुः। हे हिरण्य गर्भ के पुत्रों, हे अमृत ब्रह्म के पुत्रों, उस पुरातन ब्रह्म को परमात्मा को नमस्कार करो। उस सनातन पुरुष की स्तुति करो जो कि हमको अपना मोक्ष धाम अमृत धाम प्रदान करता है। हे हिरण्यगर्भ अमृत पुत्रों, नमस्कार उस पुरातन ब्रह्म को। हिरण्यगर्भ अमृत पुत्रों, नमस्कार उस पुरातन ब्रह्म को। करो स्तुति उस परमेश्वर की, अमृत धाम जो देता हमको। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता। ये मन तो प्रभ पंछी तेरा करता जन्म मरण का फेरा। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम् च उभे भवत ओदनः मृत्यु यस्योप सेचनम् क इत्था वेद यत्र सः। ये जो ब्रह्म है ये ही आत्मा है। आत्मा सकल प्रजाओं को ग्रस लेता है, अपना ग्रास बना लेता है। क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय सब इसके भोजन बन जाते हैं। प्रजा मृत्यु दाल चावल की तरह इसके सन्मुख प्रकट होते हैं। इस आत्मा के इस ब्रह्म के रहस्य को भला कौन जान सकता है। आत्मा सकल प्रजा को ग्रस लेता, ब्राह्मण क्षत्रिय सब को ग्रस लेता। आत्मा सकल प्रजा को ग्रस लेता, ब्राह्मण क्षत्रिय सब को ग्रस लेता। प्रजा मृत्यु तक दाल चावल जिसके, कौन जान सकता रहस्य उसके। ये मन तो
सदा स्वर्ग में बसता। ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता। ये मन तो प्रभु पंछी तेरा करता जन्म मरण का फेरा। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। वेदाः मेतम् जरम् पुराणम् सर्वात्मानम् सर्वगतम् विभुत्वात् जन्म निरोधम् प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनोपि प्रवदन्ति नित्यम्। जो पुरातन पुरुष है किंतु वृद्ध नहीं होता, जो न जन्म लेता है और न जिसकी मृत्यु होती है, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में विचरण करता रहता है, मेरा मन उसकी उपासना करता है। मेरा मन जगत के आधार उस परम ब्रह्म की आराधना करता है। पुरुष पुरातन जो वृद्ध नहीं होता, ना जन्म लेता ना मरता ना सोता, पुरुष पुरातन जो वृद्ध नहीं होता, ना जन्म लेता ना मरता ना सोता, जो कण कण विचरण करता, मेरा मन उसकी उपासना करता। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता। ये मन तो प्रभु पंछी तेरा करता जन्म मरण का फेरा। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो अंतरात्मा सदा जानानाम् हृदये सन्निविष्टः। हृदा मनवीशो मनसाभिक नृप्तो य एतद्वि दुर्मृतास्ते भवन्ति। जो सबके हृदय में रहता है, ज्योतिर्मान अंगूठे के बराबर जिसको ब्रह्मविदों ने कहा है, जो पुरुष उसको जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। वे मुक्त आत्मा वाले पुनः इस दुख रूप जगत में दुख सहने के लिए जन्म नहीं लेते। जो सबके हृदय में रहता, जो तिर अंगूठे जैसा जो होता, जो सबके हृदय में रहता, जो
तिर अंगूठे जैसा जो होता, जो उसे जानते अमर हो जाते, दुख सहने जग में नहीं आते। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता, ये मन तो प्रभ पंछी तेरा करता जन्म मरण का फेरा, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। आत्मस्य जन्तो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। जो छोटे से छोटा कण से भी अधिक लघु, जो बड़े से भी बड़ा महान से भी महान है, हृदय की गुफा में जो स्थित है, जो व्यक्ति अपने आप में अपने भीतर उसको देखता है, वह दुख शोक से पार हो जाता है। लघु से लघु वो बड़े से भी बड़ा है, हृदय की गुफा में सोया पड़ा है। लघु से लघु वो बड़े से भी बड़ा है, हृदय की गुफा में सोया पड़ा है। जो स्वयं उसको देख पाता, दुख शोक से वो पार हो जाता। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता, ये मन तो प्रभ पंछी तेरा करता जन्म मरण का फेरा, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। नित्या नाम चेतनश्च चेतना, नामे को बहुनाम यो विदधाति कामान, तत्कारणं सांख्य योगादि गम्य देव मुच्यते सर्वपाशैः। जो नित्य चेतन है, चेतन का भी जो चैतन्य है, अकेला ही जो समस्त विश्व ब्रह्मांड को असंख्य आत्माओं को भोग पदार्थ देता रहता है,
इकला ही सबका पोषण करता है, योग के द्वारा उसे जाना जाता है, मस्तक में उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हुए परम ब्रह्म के मंत्र को जपने वाला उस ज्योतिर्पुरुष को परम ब्रह्म को जान लेता है, ऐसा पुरुष बंधनों से मुक्त हो जाता है। नित्य में नित्य वो चेतन में चेतन, इकला ही सबका करता पोषण। नित्य में नित्य वो चेतन में चेतन, इकला ही सबका करता पोषण। योग के द्वारा उसे जाना जाता, योगी बंधन मुक्त हो जाता। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता। ये मन तो प्रभु पंछी तेरा करता जन्म मरण का फेरा। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनामेकं बीजं बहुधा यह करोति तमात्मा इस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा इस्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। एक बीज से वो परम पुरुष असंख्य बीजों को उत्पन्न करता है, उस आदि देव का कोई आर पार नहीं पा सकता। जो तपस्वी शुद्ध आत्मा वाला उस परम पुरुष को उसके ज्योतिर्बिंदु को स्वम में देखता है, केवल उसको ही शांति और सुख की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं। एक बीज से वो असंख्य उपजाता, उस देव का कोई पार ना पाता। एक बीज से वो असंख्य उपजाता, उस देव का कोई पार ना पाता। स्वम में स्थित देखे जो उसको सुख शांति मिले केवल उसको। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता। ये मन तो प्रभु पंछी तेरा करता जन्म मरण का फेरा। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता।
श्रोतस्य श्रोत्रम्, वह कानों का भी कान है, मनसो मनो मन का भी मन है, यदवाचो हवाचम, वाणी जो उसका जिक्र करती है, उसका वर्णन करती है, वह वाणी की भी वाणी है, यानी वाणी के भीतर जो शक्ति है वह उसी की है। स उप्राणस्य प्राणश्च, वह प्राणों का भी प्राण, चक्षुर चक्षुर्तिमुच्य, वह नेत्रों का भी नेत्र है, धीरः प्रेत्यास्मा लोकाद्मृता भवन्ति, ऐसा जो उसको जानता है वह इस पृथ्वी लोक को त्यागने के पश्चात उस परम ब्रह्म की ज्योति में ही जाकर रमण करता है, विश्राम को पाता है। कानों का भी वो कान परमात्मा, वाणी की भी वो वाणी परमात्मा, परमात्मा। प्राणों में आँखों में उसको जो पाते, मुक्त होते वे अमर हो जाते। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता, ये मन तो प्रभु पंछी तेरा करता जन्म मरण का फेरा, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता। यद वाचान भ्युदितम येन वाग्यभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदि दमुपासते। वाणी जिसको कह नहीं सकती, जो स्वयं ही वाणी को चला रहा है, संसार में लोग जिन वस्तुओं की पूजा करते हैं, सुनो वह ब्रह्म नहीं है, वे वस्तुएं ब्रह्म यानी परमात्मा नहीं है। वह परमात्मा मनुष्य की अंतरात्मा में निवास करता है, इस आत्मा के सिंहासन पर वो सोया है, इस शरीर रूपी गुफा में उस परम पुरुष की जो पूजा करता है, उसकी पूजा को वह सनातन ब्रह्म स्वीकार करता है। वाणी जिसको कह नहीं सकती, जो वाणी को स्वयं ही चलाता, वाणी जिसको कह नहीं सकती, जो वाणी को स्वयं ही चलाता, जिन वस्तुओं की लोग करें पूजा, सुनो वो ब्रह्म नहीं कहलाता, ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, ये मन तो
सदा स्वर्ग में बसता। ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता, ये मन चंद्रमा की ज्योति में बसता। ये मन तो प्रभ पंछी तेरा, ये मन तो प्रभ पंछी तेरा, करता जन्म मरण का फेरा। ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता, 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 ये मन तो सदा स्वर्ग में बसता।